माली मल्होत्रा पर हमला करने वाला शख्स अभी भी खुलेआम घूम रहा है। उस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मुंबई पुलिस खुद मान रही है कि हाँ हमें वो मिल गया है, लेकिन हम अभी उसको जो है गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या है इसके पीछे की वजह, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। मालवी मल्होत्रा हिंदी मलयालम फिल्मों में जो है काम कर चुकी हैं और ऐसे में जो है उन्होंने कलर्स पर एक सीरियल आता था उड़ान, उसमें भी काम किया था। 26 तारीख की रात को जो है उन्हीं के दोस्त ने जिसका नाम योगेश है उस पर हमला किया और जो है वो वहां से भाग गया। दरअसल योगेश का पता चल चुका है लेकिन मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है क्योंकि योगेश महिपाल जो है मुंबई से ही 50 किलोमीटर की दूरी पर एक पाल घर आता है, वहां के हॉस्पिटल में एडमिट है और अपना जो है इलाज करवा रहे हैं। हमला करने के बाद जो है मालवी पर वो भाग गए थे और उसके बाद जो है पुलिस उसकी तलाश कर रही थी लेकिन वो मिले हैं, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हम वहां जाएंगे, उसका बयान दर्ज करेंगे और जो है क्यों उसने ये किया इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। उन पर 307 यानी कि हत्या करने की कोशिश का मामला जो है दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस का ये भी कहना है कि मालवी ने बताया है कि आरोपी जो है उनसे शादी करना चाहता था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उसी बात की खुन्नस में उन्होंने हमला कर दिया। योगेश भाग गया था, आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो हॉस्पिटल में उपचार करवा रहा है। पुलिस की एक टीम मामले की आगे की पूछताछ के लिए वसई के उस हॉस्पिटल में जाएगी जहां योगेश भर्ती है। फिलहाल जो है उस पर 307 यानी हत्या की कोशिश का मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। तो ये जो है बात सामने आई है कि मालवी का जो आरोपी है वो पता चल गया है कौन है कहाँ है, लेकिन वो खुद जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए उसे फिलहाल गिरफ्तार जो है मुंबई पुलिस नहीं कर रही है।